आगे आ जाकू उत्तराखंड रहबार। जी हाँ, उत्तराखंड रहबार हर दिन जय मां हम आप थे कि सुनो वचन उत्तराखंड का हर समाचार। तो आज उत्तराखंड रहबार में हम खास बात कर ला उत्तराखंड का प्रतिष्ठित शैलेश मटियाणी शिक्षक पुरस्कार की, जो कि घोषणा हो गई। और साथ ही आज हम आप थे कि बतौला कि मसूरी में जो भी पर्यटक जस्ट मराणा को जान वाला छन ऊ थे कि कै रूट को अब थे कि पालन करने वालू। साथ ही आज हम बतौला आप थे कि उत्तराखंड में मौसमों को मिजाज कन बदलनु चा और वैसे की तापमान में लगातार गिरावट भी आनी चा। तो ये होली और भी खबर होली हमारा ये रविवार शुरू कर ला खास बोल उत्तराखंड रविवार। सरकार ला शैलेश मटियाणी राज्य शैक्षिक पुरस्कारों की घोषणा कर रहा ला। शिक्षा का क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान खोण ये बार उन शिक्षकों थे कि ये पुरस्कार मिलू। ये माँ प्रारंभिक शिक्षा का 8 और माध्यमिक शिक्षा का 11 शिक्षक शामिल छे। प्रारंभिक शिक्षकों को मिले पुरस्कार में ये बार महिलाओं को दबदबा आया। कुल 9 में 7 पुरस्कार महिलाओं थे मिला छिन। माध्यमिक में 2 शिक्षिकाओं को भी चयन हुई चा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद पुरस्कार खुण चयनित शिक्षकों की सूची शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरमला जारी कर रहा। जनकि आप जानना छन कि मशहूर शैलेश मटियाणी पुरस्कार राज्य में उल्लेखनीय योगदान खुण दिए जान। ये पुरस्कार में शिक्षकों थे कि नगद पुरस्कार प्रशस्ति पत्र और 2 साल को सेवा विस्तार भी दिए जादू। शैलेश मटियाणी आधुनिक हिंदी साहित्य जगत का प्रसिद्ध कहानीकार और प्रसिद्ध गद्यकार छाया। उत्तराखंड में जमकर ठंड पड़नी चा। सोमवार को ही बारिश और हुयों का चलता 7 शहरों में कोल्ड डे कंडीशन बढ़नी चा। मसूरी, टिहरी, उत्तरकाशी, जोशीमठ, मुक्तेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जन शहरों में शीतलहर का चलता लोग घरों में रहना खुण मजबूर हुए छिन। दिन में भी पहाड़ से लेखे के मैदान तक सभी जगह शीतलहर चलनी जा। सोमवार को हुई बारिश और ह्यों के बाद कई जगह पारा शून्य पर पहुंचू जा। मसूरी में भी तापमान शून्य पर पहुंच गए, जबकि अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भी तापमान शून्य के करीब आया। 24 घंटों में हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों का लुखो देखी सतर्क रहने की जरूरत चा। मौसम विभाग का मुताबिक मंगलवार को भीषण शीतलहर जारी राली। ये चल रही दिया जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कयो चा। उधम सिंह नगर का जसपुर में आज आम आदमी पार्टी ला किसानों के समर्थन में न्याय यात्रा निकाला, जेमा आम आदमी पार्टी का वरिष्ठ नेता पंजाब का आप का सांसद और प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान शामिल हुई। उन्हें जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। ये मौका पर स्थानीय लोगों की संख्या भी खूब नजर आये। सांसद माना के नेतृत्व में जसपुर से की ये जुलूस शुरू हुआ। ये मौका पर पंजाब का आप सांसद भगवंत मान ने बोला कि किसान पिछला 1 महीने से की कृषि बिल का विरोध करना छिन और वे का समर्थन में आज न्याय किसान यात्रा जसपुर से शुरू हुई चा और ये खटीमा तक निकाली जाएगी। तरफ तो बातचीत चल रही होती है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मन की बात में उन भी बिलों की तारीफ कर रहे होते हैं और एक तरफ तो ये कह रहे हैं अमेंडमेंट कर देंगे, 8 अमेंडमेंट, 9 अमेंडमेंट, अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है। मतलब ये मान रही है सरकार के कानूनों में कोई कमियां हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं बहुत फायदे के कानून है, ये तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा किसानों को। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो जिनके लिए फायदे की बात कर रहे हो वो खुद कह रहे हैं हमें फायदा नहीं चाहिए, कानून वापस ले तो ले लेने चाहिए। कई बार गलत कानून बन जाते हैं लेकिन अगर लोगों को पसंद नहीं आ रहे, लोगों को ये पता चल गया कि इस कानून से आने वाले दिनों में फ्यूचर में हमारा नुकसान होने वाला है, तो उसको वापस लेने में क्या हर्ज है। नया साल का जश्न मनाने खुन पशुपेश की स्थिति का बाद अब जिला प्रशासन ला एक नई आदेश दियो चा। जन की आप जड़दा छन कि देहरादून में जिला प्रशासन ला कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम खुन होटलों, बार, रेस्टोरेंट तथा सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक पार्टी आयोजन पर रोक लगाई चा। वही आदेश का बाद एक नई आदेश दियो चा जमा जिला प्रशासन ला जो होटलों में पर्यटकों ला अपड़ो पहले से की रिजर्वेशन करो चा वक पर्यटक नए साल में सादा समारोह मना सकते हैं, लेकिन ये समारोह में भी डीजे लगाने की मनाई चा और सामूहिक नृत्य करने की भी मनाई चा। मतलब सादा समारोह में वो पर्यटक यक जश्न मना सकते हैं जोला पहले से की रिजर्वेशन करायूं चा। अगर आप भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन को मसूरी जाने की प्लानिंग करना चाहें तो ट्रैफिक रूट और पार्किंग संबंधी डिटेल थे कि जरूर नोट कर लेने। सबसे पहले आप थे कि पार्किंग व्यवस्था के बारे में हम बताना चाहें। मसूरी जाने वाले चौपहिया वाहनों को लाइब्रेरी में, MDDA और कैंपटी स्टैंड में पार्किंग की व्यवस्था कहीं चा। दोपहिया वाहनों को मसूरी मॉडर्न स्कूल में पार्किंग की व्यवस्था डाली। ये अलावा पिक्चर पैलेस की तरफ राधा कृष्ण मंदिर का पास MDDA और टाउन हॉल में पार्किंग बनाई चन।
अब नया ट्रैफिक रूट अखबार में आप थे कि बताना छन। देहरादून से जान वाला वाहन मेन रोड से की किंग्रेक पहुंचला, वक्त से की लाइब्रेरी जान वाला सीधा निकलला, वही लंडौर लाल टिब्बा वाला ट्रैफिक पिक्चर पैलेस हुआ वाया घंटाघर मलिंगार जाला, वकी देहरादून आने वाला सभी वाहन जेपी बैंड से वाया बड़लोगंज हुआ देहरादून आला, वकी पिक्चर पैलेस से की देहरादून आने वाला वाहन बड़ा मोड़ से की वायनबर्ग एलंगसूल से की टिहरी बायस हुआ बड़लोगंज से की दून पहुंचला, वकी प्रशासन ला माल रोड पर गाड़ियों की पार्किंग थे की पूरी तरह से प्रतिबंधित कयूं चा। देहरादून पुलिस ला यो ट्रैफिक प्लान जारी कर आला। नया ट्रैफिक प्लान 29 दिसंबर की रात से की 1 जनवरी 2021 तक लागू रालो। तो आपके अपनी बोली भाषा में ये छयु आज को रैबार बोल फिरौला, एक नया रैबार का दगड़ी जय महोली उत्तराखंड की छोटी बड़ी खबर। और आपक भी कोई सुझाव छिन, आपक क्षेत्र की कोई खबर चा और आप हमसे की जुड़ना चाहते ने, तो आप हमसे हमारा कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके की अपनी बात लिख सकते ने, हमसे ही जुड़ सकते ने। और देश दुनिया की ताजा तरह खबरों थे कि जानना हो आप थे कि हमारे यूट्यूब चैनल जय भारत टीवी सब्सक्राइब करण हो, लाइक करण हो और शेयर जरूर करण हो। तो आज का रैबार मैं गई बोल फिर वाला एक नया रैबार का साथ। नमस्कार।